एक आदमी बेंगलोर से बांदीपुर किसी बहुत जरूरी काम से जा रहा था। उसने एक टैक्सी पकड़ी और बैठ गया, लेकिन अभी वो बीच रास्ते में पहुंचा था कि टैक्सी वाले ने उससे डबल पैसे मांगने शुरू कर दिए। और जब उस आदमी ने उसे पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो एक तो अभी अपनी मंजिल पर पहुंचा नहीं था, ऊपर से डबल पैसा मांग रहा था, तो ड्राइवर ने इसे बीच रास्ते में टैक्सी से उतार दिया। अब आप सोचो, अगर आपको कहीं जल्दी जाना और ऐसा कांड आपके साथ हो जाए तो आप पागल हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा ना, जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन इस आदमी ने सोचा, जब ऐसा उसके साथ हो सकता है तो फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए उसने अपनी एक ऐसी टैक्सी सर्विस खोलने का फैसला किया जिसमें ये सब परेशानी ना हो, और खोली वो कंपनी जिसके नाम से आप सब वाकिफ है, ओला कैब्स। ये किस्सा जितना दिलचस्प है, पूरी कहानी उससे ज्यादा मजेदार है। बस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि भारत में सफर करना कितना मुश्किल है, खास करके अगर आप ऑटो से या किसी और सवारी से सफर पर निकले तो, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अगर एक बार आप देख ले तो अपना पैर पीछे की तरफ ही खींच लेंगे। रही बात अगर आप ये सोचते हैं कि कोई प्राइवेट गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं तो उसका किराया इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी जेब को हिला देगा। इन्हीं सब को देखते हुए एक IIT से ग्रेजुएट लड़के ने इसका हल निकाला जो काफी भारत के अंदर पॉपुलर हुआ, जिसका नाम था ओला कैब्स। इस नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे और इसका सफर भी आपने जरूर किया होगा, जो बेहद आरामदायक रहा होगा। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत ऐसे ही इतने आसान नहीं रही, इसका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। इस कंपनी की शुरुआत भारत के ही दो इंजीनियर भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर किया था, ओला का आइडिया। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल था 2008। भावेश अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद ये भी बाकी लोगों की तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने लग गए। बस ये जॉब माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी जो आज के समय में मिलना बड़ी मुश्किल है। पर एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, जिसकी वजह से ये ओला कैब्स को जन्म मिला। तो बात तब की है जब ये बेंगलोर से बांदीपुर किसी जरूरी काम से जा रहे थे और जल्दी जल्दी में वक्त कम होने की वजह से उन्होंने टैक्सी ली और निकल गए। पर उस टैक्सी वाले ने इनको बीच में ही रोक कर इनसे जरूरत से ज्यादा पैसे डिमांड कर दिए। पर भाविश बताते हैं कि मंजिल अभी आई भी नहीं थी और उस टैक्सी वाले ने इनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। पर यहाँ बात पैसे की तो थी ही, पर उतने की नहीं जितने की भविष्य ने उस टैक्सी पर चढ़ने से पहले की तय की थी। वो टैक्सी ड्राइवर उससे डबल मांगने लगा। उसके विरुद्ध भविष्य ने उस ड्राइवर को पैसा देने से मना कर दिया। इसकी वजह से वो ड्राइवर इनको वहीं पर छोड़कर अपने रास्ते वापस चला गया। भविष्य ने उस ड्राइवर को बहुत रोका, पर वो इनकी एक भी नहीं सुना। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा, ये घटना जब मेरे साथ हो सकती है तो सोचो भारत में पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें रोज का सफर तय करना पड़ता होगा, जिनमें कोई अमीर होता होगा तो कोई गरीब। सब इन टैक्सी ड्राइवर वालों की खराब बर्ताव से परेशान होंगे। और वहीं से भाविश के दिमाग में ये ओला कैब्स का कॉन्सेप्ट आया। अब ओला कैब्स का आइडिया तो भाविश के पास था, लेकिन ये भारत है और 150 करोड़ वाले भारत में यहाँ पर आइडिया तो 150 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन इस आइडिया को हकीकत में बदलना यहाँ असली चैलेंज होता है। अब आप खुद सोचो एक पल को कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो और आप अपने दोस्त को ये बोलते हो कि यार मेरे पास एक आइडिया है, चल उस पर काम करते हैं, और ये जॉब छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि पहली बार में वो चार गालियां दे दे और दोस्तों चलो कोई साथ देने वाला मिल भी जाए, पर अपने घर वालों को इस जॉब को छोड़ने को कैसे मनाओगे। यही चैलेंज आगे था भविष्य के सामने। जब भविष्य माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ अपने इस आइडिया पर काम करने लगा तो लोगों और दोस्तों ने मजाक उड़ाया, कहा कि जॉब छोड़कर बिजनेस करना बेवकूफी है। लेकिन जब उन्होंने अपना ये आइडिया अपने जोधपुर के एक IITian दोस्त अंकित भाटी को बताया तो उसे आइडिया बड़ा पसंद आया, और इस तरह से 2011 में इन दोनों ने मिलकर मुंबई में ओला कैब्स की कंपनी शुरू की। उसके माता पिता को लग रहा था कि उनका बेटा एक ट्रैवल एजेंट में काम शुरू कर रहा है। भविष्य अग्रवाल ने जब पहली बार इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने पिता को बताया तो उन्होंने कहा, तू ट्रैवल एजेंट बनेगा। हालांकि उन्हें भविष्य के बिजनेस से दिक्कत नहीं थी, बस उन्हें ये चिंता सता रही थी कि इन सब चक्करों में पड़कर उनका बेटा ट्रैवल एजेंट न बन जाए। बहरहाल 2011 में कंपनी लॉन्च हुई और उन्होंने ओला ट्रिप्स.इन वेबसाइट सर्विस लॉन्च की,
इस सर्विस में भावेश ने किया ये था कि वो थर्ड पार्टी की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हीं गाड़ियों को अपने साथ जोड़ रहे थे जो गवर्नमेंट अप्रूव हो, और इन्हीं सारी चीजों को एक साथ जोड़कर उन्होंने olatrips.in लॉन्च की, जिसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आप इसमें अपना किराया पहले ही देख सकते थे, वो भी घर पर बैठे बैठे। टैक्सी आपको घर से लेने भी आएगी, मतलब किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं था। कंपनी तो शुरू कर दी, पर अब क्या। 2011 में मुंबई के पुबई में 1 BHK फ्लैट से शुरू तो हो गई थी ये कंपनी, लेकिन उन्हें बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में वो मार्केट से फंडिंग उठाने की कोशिश में लग गए और उन्हें पहली राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुनाल बहल, रिहान यार खान और अनुपम मित्तल से मिली, और फिर उसके बाद ओला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग से 48 इन्वेस्टर, $430 करोड़ यानी $32,000 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है, और 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी से 3700 करोड़ की फंडिंग मिली थी। गर्लफ्रेंड की गाड़ी भी टैक्सी बना दी। अब कंपनी तो लॉन्च हो गई थी तो अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी ओला के पास टैक्सी और ड्राइवर्स की कमी थी। ऐसे में भावेश भाड़े पर कार लेकर खुद ही टैक्सी चलाने निकल जाते थे। टैक्सी की संख्या कम होने के चलते उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि अब उनकी वाइफ है, उनकी कार को भी धंधे में इस्तेमाल किया था। मार्केट में टॉप पर ओला। ओला के ऐप्स 3 साल के अंदर ही भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में उभरी। इतना ही नहीं, भावेश और अंकित 2015 में सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के युवा थे। बाजार की जानकारी रखने वाली फर्म काला गैटो के मुताबिक भारत में जुलाई 2017 में ओला ने अपना मार्केट शेयर 53% बढ़ा दिया था, जो कि दिसंबर तक 56.2% हो गया, जबकि प्रतिद्वंदी उबर का मार्केट शेयर 42% से फिसल कर 39.6% हो गया। 2016-17 में ओला का घाटा बढ़कर 4,897.8 करोड़ था, लेकिन उसकी कुल आय 70% बढ़ गई थी। नहीं खरीदी आज तक अपनी कार। इतना पैसा कमाने के बाद भी भावेश ने खुद के लिए कार नहीं खरीदी। उन्होंने और उनकी वाइफ राज लक्ष्मी अग्रवाल ने प्रण लिया कि वे हमेशा ओला सर्विस का उपयोग करेंगे, ताकि आने वाले लोगों के लिए मिसाल कायम कर सके। फूड पांडा को भी खरीदा। कैब सर्विस के लगभग 60% हिस्से पर ओला ने अपना पैर तो जमा ही रखा है। इसके अलावा डूबती हुई फूड टेक कंपनी फूड पांडा को भी ओला कैब्स ने दिसंबर 2017 में अधिग्रहित कर लिया, और उसे भी अब उन्होंने वापस पटरी पर लाना शुरू कर दिया है। शायद आने वाले सालों में फूड डिलीवरी के अंदर भी ओला का कंपटीशन जोमैटो और स्विगी से देखा जा सकता है। आपने कभी ओला कैब इस्तेमाल की है? अगर हाँ तो आपका सफर कैसा रहा, हमें कॉमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है।